Dear student, today we will discuss on the reproduction of cycas. Cycas में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो रिप्रोडक्शन में दिखाई गई है, ये साइकस की लीफ है जिसको मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है. मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है साइकस का. मेगा स्पोर जिस बियर जिस लीफ जो लीफ इसको बियर करती है ये उसको मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है. साइकस में कायिक जनन, जैसा कि मेगा स्पोरोफिल में आप लोगों ने देखा कि नेकेड ओव्यूल है. साइकस जिम्नोसोम है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है. कायिक जनन बुलबिल्स के द्वारा होता है. बुलबिल्स ऐसी संरचना होती है जो पर्ण लीफ बेस पर्ण के आधार जो कि तने पर स्थायी रूप से लगे रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, उनके बीच में पाई जाने वाली दरारों में से गांठ नुमा संरचना निकलती है, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बुलबिल्स कहा जाता है. ये बुलबिल्स जर्मिनेट होकर के नई लीफ बनाती है, रूट बनाती है और नया प्लांट बनाने में की कैपेबल रहती है. फेवरेबल कंडीशंस में सेपरेट पेरेंट प्लांट एंड ग्रो इनटू पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती है और नए प्लांट में ग्रो हो जाता है. रिप्रोडक्शन इन साइकस. साइकस रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज ए सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. जनन का सबसे सरल तरीका होता है कायिक जनन. कायिक मींस काया बॉडी. इसमें शरीर का कोई भी भाग बिना गैमेट के निर्माण के जनन करके नया पादप नया बेबी प्लांट का निर्माण कर देता है तो उसको कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ बुलबिल्स. साइकस में ये बुलबिल्स ये एडवेंटेनियस बर्ड अपस्थानिक कलिका के रूप में होता है. सामान्य बोलचाल में इसको बुलबिल्स कहते हैं. ये एक बर्ड का डेवलपमेंट करते हैं स्टेम पर तने पे एक्सिल और स्केल स्लीव लीव्स के जो आधार होता है उसके बीच में पेविसिल्स में से एक बर्ड के रूप में निकलती है. ओवल शेप स्ट्रक्चर में होती है. ब्रॉड बेस होता है इसका. पॉइंटेड एपेक्स होता है. इट कंटेस्ट ऑफ डोरमेंट स्टेम इन सेंटर्स ग्रोज बाई नंबर्स ऑफ स्केली लीव्स. ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम द स्टेम स्टेम से अलग होने के बाद इट बल्बिल स्टार्ट जर्मिनेशन. ये जर्मिनेशन स्टार्ट करती है और प्रोड्यूस मैनी रूट्स. खूब सारी रूट्स बनाती है लोअर साइड में और लीफ बनाती है अपर साइड में. बल्बिल फॉर्म ए मेल प्लांट will develop only into male plant while the bulbils form a female plant will form only female plant because cycas is strictly deciduous plant. है ना, cycas strictly deciduous plant है. means cycas में male plant अलग होता है female plant अलग होता है. अगर male plant की bulbils है तो male plant का निर्माण करेगी. फीमेल प्लांट की बुलबिल्स है तो वो फीमेल प्लांट का निर्माण करेगी. रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बुलबिल्स के द्वारा होता है. इसमें क्रिविसेज स्केल्स लीफ में क्रिविसेज होती है लीफ बेस के आधार पर. ओल्ड स्टेम में डेवलप होता है. न्यू स्टेम या यंग स्टेम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है. प्रोड्यूस न्यू प्लांट ऑन डिटैचमेंट. इसके पृथक होने से नए पादप का निर्माण करती है. ओके, देन रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल मेथड्स. नंबरस माइक्रो स्पोरोफिल्स मतलब खूब सारी असंख्य माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा और कुछ मेगा स्पोरोफिल का डेवलप होता है. असंख्य माइक्रो स्पोरोफिल. माइक्रो स्पोरोफिल मीन्स मेल गैमेट्स होता है. मैक्रो स्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल फीमेल गैमेट्स होता है. माइक्रोस्पोरोफिल ऐसी लीव जो माइक्रोस्पोर को बियर करती है वो स्पाइरली अरेंज होती है, चक्राकार रूप में व्यवस्थित होती है सेंटर केंद्रीय अक्ष पर. ईच माइक्रोस्पोरोफिल इज नैरो सिकुड़ी होती है बिलो
एंड ब्रॉड अबाउ द टर्मिनिंग एंड टू प्रोजेक्ट द एपोफाइसिस विच इज कॉल्ड एपोफाइसिस. माइक्रोस्पोरेंजिया कन्फाइंड टू एडेक्सियल सरफेस. एडेक्सियल मीन्स अपर सरफेस, एबेक्सियल मीन्स लोअर सरफेस. यूजली परसिस्ट इन सोराई ईच विथ 2 to 6 स्पोरेंजिया. दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स. ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस की ओगैमस. ओगैमस मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर मदर प्लांट के साथ अटैच रहता है और मेल पार्ट हमेशा फ्री रहता है मदर प्लांट से अलग होता है. फीमेल पार्ट नॉन मोटाइल होता है, मेल पार्ट मोटाइल होता है. मेल पार्ट मूवमेंट करके फीमेल पार्ट पर जाएगा और फीमेल पार्ट वहीं पे फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा. उसका कंप्लीट डेवलपमेंट मदर प्लांट पे ही होता है. साइकस इज स्पोरोफिटिक एंड स्ट्रिक्टली साइकस का मेन प्लांट स्पोरोफिटिक मीन्स बीजाणु उद्भिद होता है. साइकस का मुख्य पादप बीजाणु उद्भिद होता है. इनमें कुछ समय के लिए युग्मोद्भिद अवस्था गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और स्ट्रिक्टली डेसीड्यूअस होता है. मीन्स मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर बॉर्न ऑन सेपरेट प्लांट. ओके, ये यंग लीफ दिखाई देती है, दिखाई दे रही है इसको, जो सर्सिनेशन और कॉइलिंग शो करती है. फिर बुलबिल्स होती है जो जर्मिनेट होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है. ये सारी बुलबिल्स हैं जिनमें लीफ का फॉर्मेशन हो गया और इन बुलबिल्स में रूट का फॉर्मेशन हो गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस इज ऑलवेज ओगैमस. ओगैमस मीन्स मदर प्लांट मेगा स्पोरोफिल अटैच रहता है मदर प्लांट पर. ये देखिए साइकस का मेल कौन है और ये साइकस का फीमेल कौन है. साइकस का मेल कौन अलग प्लांट पे लगा रहता है, साइकस का फीमेल कौन अलग प्लांट पे डेवलप होता है. एग सेल इज सिग्निफिकेंटली लार्ज. यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साइकस का ओव्यूल होता है तो पादप जगत में सबसे बड़ा ओव्यूल होता है. फीमेल जो होता है गैमेटोफाइट वो लार्जेस्ट होता है प्लांट किंगडम में. साइकस स्पोरोफिटिक एंड स्टेरिल डायोसिस. मेल आर सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन सेपरेट, है ना, जस्ट लाइक दिस इज मेल कॉर्न एंड दिस इज फीमेल कॉर्न. वो जो प्रीवियस में फीमेल कॉर्न दिखाया था वो कम्प्लीटली मैच्योर था और ये मेल कॉर्न 1 ईयर फीमेल कॉर्न है, ये बनने जा रहा है. दोनों का एक अनदर व्यू और इसमें दिखा दिया गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकस प्लांट है स्ट्रिक्टली डायोसिस. मेल प्लांट आर रेयर, मेल प्लांट कम होता है. मेल स्ट्रोबिलस और मेल कॉर्न आर सिंगल एंड एपेक्स, मतलब इसके शीर्षस्थ भाग पर एक कॉर्न का निर्माण होता है. एपिकल सूट एपेक्स यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल कॉर्न. शीर्षस्थ भाग शीर्षस्थ प्ररोह मेल कॉर्न के निर्माण के द्वारा मेल कॉर्न का निर्माण किया जाता है. इनकी सिम्पोडियल ब्रांचेज कॉम्पैक्ट होकर कंडेंस होकर के मेल कॉर्न का निर्माण करती है. कॉर्न शॉर्टली स्टॉक एंड लार्ज अप टू 50 सेंटीमीटर. स्टॉक में व्रंथ, इस कॉर्न में व्रंथ पाया जाता है और लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है. मेल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल प्लांट्स ऑफ साइकस प्रोड्यूस एवरी ईयर ए सिंगल मेल कॉर्न. प्रत्येक वर्ष एक मेल कॉर्न का निर्माण करता है अपने एपेक्स शीर्षस्थ भाग पर. इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेल कॉर्न द एपिकल मेरिस्टेम इज यूज्ड अप. उस मीन्स मेल कॉर्न के निर्माण में शीर्षस्थ प्ररोह आपस में कंडेंस होकर के मेल कॉर्न का निर्माण करती है. देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज चेक, जिसके कारण पादप की वृद्धि रुक जाती है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए. बट लेटर द एपिकल मेरिस्टेम इज फॉर्म द बेस ऑफ द कॉर्न. उसके पश्चात एपिकल मेरिस्टेम होती कॉर्न का बेस बनाती है. दिस पजेस दैट द वन साइड सो दैट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज रिज्यूम्ड अगेन. उसके कारण से उसकी वृद्धि होने के कारण से कॉर्न एक तरफ हो जाता है और प्लांट की वृद्धि हो जाती है. सच ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड सिम्पोडिया.
देर आर टू टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ, आपने सुना होगा मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। सिम्पोडियल मोनोपोडियल एक ही शाखा जो बढ़ती है, सिम्पोडियल मीन साइड की ब्रांचिंग भी उसकी ग्रोथ को करती है। साइकस का मेल कॉन 500 सेंटीमीटर और उससे भी लंबा होता है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द मेल कॉन, मेल कॉन का एल एस मेल कॉन इस फॉर्म में होता है। इसमें खूब सारी ये मेल पोलन्स का निर्माण होता है। ईच कॉन इज ओवॉइड और कॉनिकल स्ट्रक्चर। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मेल कॉन सो दैट ईच वन कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल एक्सिस अराउंड विच ए लार्ज नंबर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है, आर अटैच राइट एंगल ऑन द कॉम्पैक्ट एंड स्पाइरल फॉर्म्स एट द एक्रेपिटल ऑर्डर टर्न। मैचुरेशन ऑफ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऐसी लीफ जो मेल ऑर्गन को बियर करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करती है, उनको स्पोरोफिल कहते हैं। मेल पार्ट को बियर करने वाले माइक्रो स्पोरोफिल और फीमेल पार्ट को बियर करने वाले मेगा स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल्स जो स्पायरली मैनर्स में एनर्ज रहती है और एपेक्स शीर्ष भाग पर बेस बनाती है। स्पोरोफिल्स आर एपेक्स आर बेस रिमेन स्टेराइल। इसमें से कुछ स्टेराइल भी होती है और कुछ फर्टाइल भी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर और उसका सेक्शन कटिंग देखें तो ईच माइक्रो स्पोरोफिल रिप्रेजेंट ए स्टेमन, ये स्टेमन को रिप्रेजेंट करती है। इट इज फ्लैटेंड वुडी एंड ट्राइंगुलर शेप, ये देखो फ्लैटेंड वुडी एंड ट्राइंगुलर शेप की होती है और इट डिफरेंशिएटेड इनटू अपर और डिस्टल स्टेराइल रीजन कॉल्ड एपोफाइसिस। ऊपरी पार्ट जो कॉन की शेप में होती है, स्टेराइल रीजन होता है, उसको एपोफाइसिस बोलते हैं। प्रॉक्सिमल वेज शेप्ड फर्टाइल पार्ट होता है। ईच माइक्रो स्पोरोफिल बियर सेवरल हंड्रेड ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, ये नेक्स्ट जो सेकंड में बताया गया है, और उस माइक्रो स्पोरेंजिया को पोलन सैक्स बोलते हैं। ऑन इट्स एबेक्सियल सरफेस मोर देन 1000 माइक्रो स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। माइक्रो स्पोरेंजिया आर अरेंज इन क्लस्टर, क्लस्टर गुच्छे के रूप में, क्लब में 3 to 6। ईच क्लस्टर और ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड सोरस। इन 3 से 6 माइक्रोस्पोरेंजिया के क्लस्टर और ग्रुप को सोरस कहते हैं। इन बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजियल इंडस्ट्रियल हेयर आर प्रेजेंट विच हेल्प टू डिस्पर्स, इसको पोलन के डिस्पर्स में सहयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल हेयर प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प द डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोस्पोर एंड प्रोटेक्ट यंग स्पोरेंजिया के लिए यूज होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है, कोन का स्ट्रक्चर है, सिंगल लीफ का स्ट्रक्चर है, ये कोन का स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये सिंगल लीफ का स्ट्रक्चर है, इसका सेक्शन कटिंग है जिसमें 3 to 6 ये रहता है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया ओवल शेप में होती है एंड बॉर्न ऑन शॉर्ट स्टॉक, बहुत छोटे से व्रंथ के द्वारा ये धारण किए जाते हैं। सेवरल लेयर्ड मास ऑफ द स्पोरेंजिया सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ईच टेपिटम जिससे न्यूट्रिशन लेती है, टेपिटम के बाद में यूबिस पार्टिकल्स भी होते हैं जो इनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ईच स्पोरेंजिया कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्पोर्स, प्रत्येक स्पोरेंजिया में असंख्य माइक्रो स्पोर्स होते हैं जिनको पोलन कहा जाता है। ये अगेन इसका इसी का स्ट्रक्चर, ये देखो लार्ज नंबर ऑफ पोलन फॉर्म, ये टेपिटम आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो टेपिटम होती है ये छोटा सा स्टॉक होता है, वॉल होती है, एपिथेलियल सेल होती है और खूब सारे पोलन ग्रेन्स का निर्माण करती है म्यूसिलेजन के अंदर और ये सॉरी होती है ना। देन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम इज यू स्पोरेंजियम, दो तरह का डेवलपमेंट होता है, लेप्टो स्पोरेंजियम एंड यू स्पोरेंजियम। यू स्पोरेंजियम डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्पोरेंजिया, जैसे 3 स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा कोशिकाओं के समूह से इनका निर्माण होता है। जो प्रारंभिक कोशिका होता है, इनिशियल सेल्स होती है, वो एक से ज़्यादा, अगर सिंगल कोशिका से माइक्रो स्पोरेंजिया का निर्माण होता है तो उसको लेप्टो स्पोरेंजिया बोलते हैं, और एक से ज़्यादा मीन्स 2 या 3 कोशिका ग्रुप ऑफ सेल्स
मिलकर के माइक्रो स्पोरेंजिया का निर्माण करती है। माइक्रो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स बनाती है तो उसको यूस्पोरेंजियट कहते हैं। दीज सेल्स आर हाइपोडर्मल इन ओरिजिन, मीन्स जैसे एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस की तरफ होती है, एपिडर्मल ओरिजिन नहीं होता है। डिवाइड बाई पेरिक्लिनल वाल्व इंटू अपर प्राइमरी वाल्व सेल्स एंड लोअर प्राइमरी वाल्व को स्पोरेंजियल, मीन्स ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल। पेरिक्लिनल में अपर प्राइमरी वाल्व बनाती है और एंटीक्लिनल में स्पोरोजिनस सेल्स बनाती है। दो लेयर का निर्माण करती है, आउटर लेयर आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन करती है और स्पोरोजिनस परागकणों का पोलन ग्रेन्स का निर्माण करती है। प्राइमरी वाल्व सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म 3 to 6 लेयर वाल्व। प्राइमरी वाल्व होती है उसको वाल उसका काम ही आउटर मोस्ट, जैसे प्राइमरी वाल है तो आउटर लेयर का निर्माण करती है और 3 से 6 लेयर की होती है, एपिडर्मिस बनाती है। साइमल्टेनियसली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आर आल्सो डिवाइडेड इरेगुलर टू मास ऑफ सेल इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। एट द टाइम ऑफ टाइम फॉर्म द पेरिफेरल सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू आर द इनर मोस्ट लेयर वॉल डिफरेंशिएट इनटू सिंगल सेल नरिशिंग द लेयर नोन एज एपिडर्म, है ना, एपिडर्म भोजन कर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पोरोजिनस स्पोरेंजियल वॉल फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ एक्सोथीलियम। द रेस्ट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज इंक्रीज इन द साइज एंड फंक्शन एज स्पोर मदर सेल, दे आर द अल्टीमेट सेल ऑफ स्पोरोजेनेटिक फेज। ईच स्पोर मदर डिवाइड सेल इनटू रिड्यूसिंग डिवीजन ऑफ द फॉर्म 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर, 1 से 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, जैसा कि आप लोगों को ये बताया, इसलिए इसको टेट्राड कहते हैं। ए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम इज सेसाइल, सेसाइल मीन्स उसके स्टॉक या व्रत नहीं लगा रहता, शॉर्टली स्टॉक कुछ 5 से 6 लेयर का होता है। सिंगल लेयर एक्सोथीलियम होती है, इंटरमोस्ट सिंगल लेयर एपिडर्म होती है जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा होती है, रेस्ट एंडोथीलियल सेल होती है। द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम एनक्लोज लार्ज नंबर ऑफ हैप्लोइड माइक्रोस्पोर, दैट एपिडर्म इज यूज अप ड्यूरिंग टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, ओनली द सिंग ऑफ द डिस्टिंग जनरेटेड एपिडर्म कैन बी सीन बाई मैच्योरिटी, उसके परिपक्व होने के बाद में कुछ एपिडर्म के टुकड़े डिसइंटीग्रेटेड सेल्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये देखो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है, इनिशियल सेल 1 से ज़्यादा कोशिकाओं से बना होती है, उसके बाद में वो प्राइमरी सेल वॉल में कन्वर्ट होती है, 2 की 4 कोशिकाओं हो जाती है, उसमें से आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्राइमरी वॉल सेल बनाती है, अंदर की जो लेयर होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स टिश्यू जो होती है वो स्पोरेंजियल माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशिएशन का काम करती है, जो प्राइमरी वॉल होती है वॉल फॉर्मेशन से करती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स एपिडर्म का फॉर्मेशन भी करती है, जबकि वॉल एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है और ये एपिडर्म के बाद माइक्रोस्पोर्स मदर सेल का निर्माण करती है। अंदर स्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होता है, आउटर 3 to 6 लेयर वॉल का फॉर्मेशन होते हैं, स्पोर टेट्राड्स पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं और आउटर 3 to 6 लेयर वॉल हो जाते हैं। आज अपन इतना ही